एक गांव में सोनू मुन्नी नाम के भाई बहन हुआ करते थे। उनके माता पिता बहुत गरीब थे। वो मजदूरी का काम करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते थे। सोनू मुन्नी के स्कूल में भोलू नाम का एक अमीर घर का लड़का हुआ करता था। वो क्लास में बहुत शरारत करता था, हर दम किसी न किसी को रुलाते रहता था। एक बार भोलू बहुत सारे पटाखे लेकर स्कूल को आया। ये देखकर सोनू भोलू से, रे भोलू, तुम्हारे पास बहुत सारे पटाखे हैं ना, हमें थोड़े पटाखे दोगे क्या, कहकर पूछा भोलू तब सोनू और मुन्नी से। देखिए, आप लोग पटाखे खरीद नहीं सकते कहकर दुखी मत हो, मुझे अभी एक बात पता चला है। सुना है कि अपने गांव के बाहर के जंगल में एक मैजिकल हाउस है, उसमें बहुत सारे पटाखे मुफ्त में मिलेंगे। आप लोग खुशी से जाकर जितने चाहे उतने पटाखे ले लीजिए, कहा। सोनू और मुन्नी भोलू की बातों पे विश्वास करके बहुत खुश हुए। दीपावली के एक दिन पहले शाम के समय सोनू और मुन्नी पटाखों के लिए भोलू के कहे घर को ढूंढने का निर्णय लिए। रात होते ही सोनू और मुन्नी जंगल की तरफ पैदल चलते हुए गए। बहुत दूर जाकर देखने के बाद भी उन्हें वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। मुन्नी सोनू से, भैया लगता है उस भोलू ने हमारा मजाक उड़ाने के लिए झूठ कहा है। बहुत ढूंढने पर भी हमें वो मायाघर दिखाई नहीं दे रहा है। हम बहुत दूर आ गए हैं भैया, अंधेरा हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, घर चले जाएंगे भैया, बोली। दोनों घर जाने के लिए पीछे मुड़े, मगर वो लोग रास्ता भटक गए। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें अपने घर का रास्ता दिखाई नहीं दिया। इतने में बारिश गिरने लगी। दोनों को अब क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। इतने में उन दोनों को दूर से एक घर दिखाई दिया। दोनों भागते हुए उस घर के अंदर गए। वहां तरह तरह के रोटी और सब्जी तैयार रखे हुए थे। अंदर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों अच्छे से बैठकर पेट भर के रोटियां खाए। सोनू मुन्नी से, लगता है कि ये बारिश अभी थमने वाली नहीं है, यही सोकर दोनों कल सुबह घर जाएंगे क्या, कहा। मुन्नी मान गई। दोनों एक कोने में सो गए। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी स्त्री राक्षस उस घर में आई। वो, कौन है रे, मेरे अनुमति के बिना मेरे घर के अंदर आकर क्यों सोगे, मेरा खाना भी खाए, तुम्हारी कितनी हिम्मत, कहकर जोर से पुकारी। सोनू मुन्नी दोनों नींद से उठे। सोनू उस स्त्री राक्षस को देखकर बिना डरे, ये तुम्हारा घर है कहकर हमें पता नहीं था, बारिश गिर रही तो बचने के लिए आए, भूख लगी इसीलिए खाए, बारिश रुकने वाली नहीं है सोचकर सोगे, कल सुबह उठकर चले जाएंगे, कहा वो स्त्री राक्षस। तब मुझे देखे तो तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है क्या, कहकर पूछी मुन्नी। तुम्हें देखे तो हमें डर क्यों लगेगा भला, तुम एक राक्षस हो इसीलिए वैसे दिख रही हो, हम इंसान हैं इसलिए हम ऐसे हैं, बोली। उन बच्चों को उतनी हिम्मत से बात करते हुए देखकर स्त्री राक्षस को बहुत अच्छा लगा। वो उन दोनों से, इतने रात के समय बड़े लोगों को अपने साथ लाए बिना इस जंगल में क्यों आए, पूछी। सोनू तब, कल दीपावली है ना, पटाखों के लिए आए हैं, कहकर भोलू ने जो बोला वो सब उसे बताए। वो स्त्री राक्षस तब, क्या सिर्फ पटाखों के लिए इतनी रात के समय इस भयानक जंगल में आए, पूछी मुन्नी। क्या करें, हमें पटाखे खरीद कर देने के लिए हमारे माता पिता के पास पैसे नहीं है, बोली। ये सुनकर उस स्त्री राक्षस को दोनों पर बहुत दया आई। वो तुरंत अपने हाथ को हवा में घुमाई। तभी उसका घर एक बड़े से अनार के घर में बदल गया। सोनू मुन्नी दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वो स्त्री राक्षस तब, बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, मांगिए, पूछी। सोनू तब, हमें बहुत सारे पटाखे चाहिए, कहा। मुन्नी तब, अनार, चक्री, फुलझड़ी, रॉकेट, सुतली बम, ऐसे उसे जिन पटाखों के नाम पता थे वो सब बोली। मुन्नी के बोले सारे पटाखे प्रकट होने लगे और उनका ढेर बन गया। वो स्त्री राक्षस तब, इतने सारे पटाखे लेकर तुम दोनों क्या करोगे,
पूछी सोनू तब। हमारे जैसे ही बंटी, बन्नी, बबलू, लल्ली, डॉली, चक्की, इनके पास भी पटाखे खरीदने पैसे नहीं हैं। इन्हें लेकर उन सब में बांटेंगे। कहा वो स्त्री राक्षस, ये बच्चे हैं मगर अपने साथी बच्चों के लिए सोच रहे कहकर बहुत खुश हुई उनकी परीक्षा लेने के लिए फिर से। तो फिर इतने सारे पटाखे कैसे ले जाओगे? मुन्नी तब। हमारे लिए एक बड़ा रॉकेट बना कर दो, हम दोनों उस रॉकेट पर बैठकर सारे पटाखे ले जाएंगे, बोली वो स्त्री राक्षस। अपने हाथ को फिर से हवा में घुमाई, वहाँ एक बड़ा रॉकेट प्रकट हुआ। सोनू और मुन्नी दोनों उस रॉकेट पे बैठ गए। वो स्त्री राक्षस उन पटाखों को एक बोरी में डालकर उन दोनों को दी। दोनों रॉकेट पे बैठकर अपने घर के सामने उतरे। उन्हें देखकर गांव वाले बहुत आश्चर्य में पड़ गए। सोनू मुन्नी उस माया अनारी हाउस से लाए पटाखों को अपने दोस्तों में बांटने लगे। बाद में सब मिलकर खुशी से दीपावली मनाए।